व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रेवेन्यू? अगर हम रेंट एंड रेवेन्यू की बात करें तो रेंट और रेवेन्यू में किस चीज का डिफरेंस है? दोनों थोड़ा से मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, तो रेंट एंड रेवेन्यू थियोरेटिकली थोड़ा सा सेम है, बट जब ये पे किए जाते हैं और किसको पे किए जाते हैं इस पे थोड़ा सा डिफरेंस है। रेंट जो होता है वो पे किया जाता है एज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसी चीज को लिया हुआ है, आप उसकी कोई चीज यूज कर रहे हो, तो उसके बदले में जो आप उसको दे रहे हो वो रेंट है। बट रेवेन्यू एक तरह का टैक्स है जो इम्पोज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड इज फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद सम प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड। कोई चीज के ऊपर या इन ए स्टैट्यूट अगर कहीं लिखा है तो वो रेवेन्यू जो आप पे कर रहे हो, जो टैक्स आप पे कर रहे हो रेवेन्यू है, और रेंट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है। सेकेंड, भूमिदार पे करता है रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, भूमिदार जो पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू है। वाइल द असामी जो पे कर रहा है ग्राम सभा को वो रेंट है। अब आप कहोगे दोनों ही चीजें गवर्नमेंट को ही तो पे कर रहे हैं, यहाँ पर भूमिदार उसको रेवेन्यू पे कर रहा है और असामी जो है वो रेंट पे कर रहा है क्योंकि कुछ सामान ही गवर्नमेंट का है, असामी को तो दान में मिली हुई है, ठीक है, टू ग्राम सभा और टेनेंडेंट चीफ। एज अ रेंट इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो इट कैन बी सेटल्ड बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। रेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इस वजह से पार्टीज मिलकर इसको सेटल कर सकती हैं। रेवेन्यू स्टेट और भूमिदार के बीच में होता है, इसीलिए ज्यादातर इनवेरिएबल होता है, उसको सेटल करना पॉसिबल नहीं होता, और होता भी है तो एज अ पनिशमेंट पॉसिबल होता है, एज अ एरियर पॉसिबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये कोई। तो इस वजह से रेवेन्यू और रेंट में अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप इसको लिख सकते हैं।